Dear students, I am your English teacher. So today we are going to read third lesson of fourth class. The lesson name is An Adventure of Tom's. यानी कि टॉम के द्वारा किया गया काम या फिर उसने जो संडे को काम किया उसके बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन संडे मॉर्निंग यानी कि संडे की मॉर्निंग को टॉम वॉज वेरी हैप्पी. टॉम बहुत खुश था. He was planning to play all day long. वह पूरे के पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक संडे को खेलना चाहता था. उसने यह प्लान किया था. But all his joy disappeared when Aunt Polly called him. लेकिन जो उसकी खुशी थी, जो उसका आनंद था भी मैं पूरा दिन खेलूँगा, वो एट ए टाइम डिसअपियर गायब हो जाता है जब आंट पोली उसको बुलाती हैं. एंड सैड और बोलती हैं, लुक हेयर यहाँ देखो टॉम, टुडे यू आर नॉट गोइंग आउट टू प्ले. आज आप खेलने के लिए बाहर नहीं जाओगे. आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश दिस होल फेंस. फेंस मीन्स दीवार. होल मीन्स पूरी. वाइट वॉश मीन्स फैदी. आज आपको पूरी दीवार पे वाइट वॉश करनी होगी. टेक दिस बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड दिस ब्रश. तो उनको बोलती है कि ये जो वाइट वॉश से फुल बकेट है उसको उठाओ और ये ब्रश उठाओ. टॉम लुक एट द फेंस. टॉम उस दीवार को देखता है. इट वॉज वेरी लॉन्ग. वह बहुत लॉन्ग थी. ही ग्लैंस एट द बकेट फुल ऑफ वाइट वॉश. ग्लैंस मीन्स नज़र मारना. उसी टाइम वह जो बाल्टी वाइट वॉश से भरी थी उसकी तरफ नज़र मारता है. टॉम फेल्ट वेरी सैड. यह देख के टॉम को बहुत बुरा फील हुआ. वह सैड हो जाता, उदास हो जाता है. सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड. अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया. ही टुक अप हिज बर्स. उसने अपना बर्स उठाया एंड स्टार्टेड द वर्क साइलेंटली. और अपना काम करना शुरू किया. सून जल्दी ही सा बेन कमिंग. जल्दी ही उसने बेन को उसकी साइड आते हुए देखा. बेन हैड अ नाइस रेड एप्पल इन हिज हैंड. बेन ने अपने हाथ में एक अच्छा रेड एप्पल लिया हुआ था. बेन वांटेड टू मेक फन ऑफ टॉम. तो बेन टॉम का मजाक बनाना चाहता था. ही वॉक्ड अप टू हिम. वह उसकी साइड आता आया एंड सैड और बोला, हैव यू गॉट टू वर्क इवन ऑन अ होलीडे. क्या है कि आप हॉलीडे वाले दिन भी वर्क कर रहे हो, उस दिन भी काम कर रहे हो. वर्क सैड टॉम. काम, टॉम बोलता है. आर यू कॉलिंग दिस वर्क. क्या आप इसको वर्क बोलते हो, काम बोलते हो. इट इज़ नॉट वर्क, आस्क बेन. काम नहीं तो और क्या है, बेन ने जवाब दिया. उससे पूछा. टॉम रिटर्न टू हिज वाइट वॉशिंग एंड रिप्लाइड. टॉम वापस बात करने के बाद अपनी वाइट वॉशिंग पे जाता है, सफेदी करने लगता है. और उसने रिप्लाइड किया, ऑल आई नो इज दैट इट डिलाइट्स टॉम सायर. डिलाइट्स मीन्स खुश करना. सभी जानते हैं कि यह काम है जो टॉम सायर को, या फिर मैं जानता हूँ ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम नहीं है, तो मेरा खुशी से दिल कर रहा है करने को, ये मेरे को खुशी देता है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ. टॉम केयरफुली स्वेप्ट हिज बर्स लाइक एन आर्टिस्ट. स्वेप्ट मीन छड़पना. जैसे एक आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट बर्स लगाता है, वैसे वो उस फेंस पे वाइट वॉश के साथ है बर्स लगाता है. देन इसके बाद ही स्टिप्ड बैक टू स्टडी द इफेक्ट. स्टिप्ड मीन्स वापस मुड़ना. उसी टाइम जैसे वो बर्स लगाता है उसके बाद वो वापस मुड़ता और देखता है कि जो उसने वाइट वॉश किया वो कैसा है, कैसा इफेक्ट उसका आया है. ही एडेड अ टच हेयर एंड अ टच देयर. और उसके बाद वह एक बर्स के साथ टच यहाँ करता है और एक वहाँ करता है. बेन वॉच्ड एवरी मूव. तो बेन ये सब कुछ बिल्कुल गति से देखता है. फाइनली ही सैड. और अंत में वह बोलता है, टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटल. टॉम मेरे को भी दो, मैं भी थोड़े टाइम के लिए वाइट वॉश करना चाहता हूँ. नो नो ही सैड. उसने बोला, नहीं नहीं, आंट पोली इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस. पर्टिकुलर मीन्स विशेष या व्यक्तिगत. वो बोलता है कि नहीं, आंट पोली के लिए है जो फेंस है ये बहुत ही विशेष है. इट हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली. तो इसके ऊपर जो वाइट वॉश करनी है वो बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से करनी है. देर इज़ नॉट वन बॉय इन मैनी थाउजेंड. यहाँ पे इतने सारे थाउजेंड में से कोई बच्चा नहीं है हु कैन डू इट द राइट वे, जो इसको बिल्कुल राइट वे से या अच्छे तरीके से कर सके. इज दैट सो, आस्क बेन इन सरप्राइज. क्या इसको करने वाला कोई भी नहीं है, बेन सरप्राइज से हैरानी से पूछता है. टॉम आई शैल बी वेरी केयरफुल. मैं बहुत सावधानी से करूँगा. प्लीज़ लेट मी. प्लीज़ मेरे को बर्स दो, मेरे को करना है. ट्राई जस्ट अ लीटर. सिर्फ एक बार ट्राई तो करने दो. ही एडेड आफ्टर अ
पुस। एक ठहराव के बाद वह ऐसे बोलता है कि कम से कम मेरे को एक ट्राई तो करने दो। वैन आई वुड लेट यू ट्राई, मैं आपको एक ट्राई करने देना चाहता हूँ, टॉम सैड टॉम ने बोला। देन ही एडेड, और साथ में उसने यह मिलाते हुए बोला, यू डोंट नो आंट पोली, आप आंट पोली को नहीं जानते। जी वांटेड टू डू इट बट सी वुड नॉट लेट हिम। जिम चाहते हैं इसको करना बट वो उसको करने नहीं देती क्योंकि जिम आंट पोली का बेटा है। शी वांट्स मी, वह मेरे से चाहती है, एंड मी अलोन टू डू इट, सिर्फ मेरे से अकेले मेरे से चाहती है वो इसको पूरी दीवार पे वाइट वॉश करवाना। आई सेल बी केयरफुल, मैं सावधानी से करूँगा। टॉम आई सेल गिव यू हाफ माई एप्पल इफ़ यू अलो मी, बेन प्लीडेड। प्लीडेड मीन्स निवेदन करना। बेन फिर से उसके निवेदन करता है कि मैं बिल्कुल केयरफुली से करूँगा, अगर आप मेरे को करने के लिए देते हो तो जो मेरे हाथ में नाइस एप्पल है उसको मैं हाफ जो आपको दूंगा अगर आप मेरे को आज्ञा देते हो। नो नो बेन आई एम अफ्रेड, नहीं नहीं बेन मैं डरा हुआ हूँ। टॉम आई सेल गिव यू माई एंटायर एप्पल, तो बाद में वो बोलता है टॉम मेरा जितना बचा हुआ एप्पल है मैं सारा आपको दूंगा अगर आप मेरे को ये करने के लिए वेट वॉश करने के लिए आप ट्राई करने के लिए मेरे को कुछ टाइम देते हो। सो टुडे वी रीड ओनली हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।